अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ अ रॉकी सिंह और एक और टू डे व्लॉग के लिए आ चुका हूँ। और आज का पहला दिन जो है शुरू हो चुका है वीडियो का। तो मैंने सोचा आज के जो दिन की जो पहली वीडियो है, यानी कि पहला क्लिप है, सॉरी वीडियो तो फुल होती है, क्लिप शॉर्ट होता है, सो वो मैं आप लोगों के लिए तैयार कर दूँ। तो फिलहाल क्वेटा में जो है, वैसे नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि यार गर्मियों में जो होती है लोड शेडिंग, लोड बढ़ जाता है और इस्तेमाल जो बिजली का होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग ये सोच रहे होते हैं, तो इसलिए लोड शेडिंग होती है। सही है जी। और लोड शेडिंग में होता यूँ है कि भाई लाइट चली जाती है, इलाके इलाके का फ़र्क है, कहीं पे 6 घंटे, कहीं पे 10 घंटे, कहीं पर 8 घंटे, 12 घंटे, इस तरह यानी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके की लाइट जाती है। सो अभी तो है सर्दियाँ और कोयटा में तो सख्त सर्दी है। तो यहाँ पर मैं अगर मैं बताऊँ तो यार पहले नॉर्मली 1 घंटा जाया करती थी, फिर 2 घंटे कर दी, फिर 1.5 घंटा कर दी, अभी तो जब जब जाती है ना तो 3-3 घंटे भी चली जाती है, और 3 घंटे भी पक्का नहीं है कि भाई 3 घंटे जाएगी, यानी 3.5 घंटे भी हो जाती है आते आते। सही है जी। तो मैं टाइम पास कर रहा था, मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे खड़ा होके ना थोड़ा टाइम पास करूँ, देखूँ भाई नज़ारे अपने कमरे की जो है ना खिड़की के पास खड़ा हो गया, यहाँ पर नज़ारे करूँ। माशाल्लाह आज मौसम खुला हुआ है, क्लाउडी वेदर नहीं है, और क्लाउडी वेदर नहीं है तो ये इसका मतलब कि सनी वेदर है, लेकिन ये कि ठंड सख्त है अभी भी, माइनस में माइनस कुछ जा रहा है, -2, -3, -1 इस तरह जा रहा है। तो माशाल्लाह मौसम तो ठंडा है, लेकिन यहाँ की जो धूप है वो सख्त है, वो ज़बरदस्त किस्म की सख्त है। तो अगर 5 मिनट भी अगर जो है ना बंदा खड़ा हो जाए ना, ज़बरदस्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है जी। वो अपना घर के आसपास की लोकेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन किस्म का मौसम हुआ है। तो पहला क्लिप आप लोगों के लिए तैयार है, और आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, और नेक्स्ट क्लिप में कुछ एक्स्ट्रा अच्छे वाला कुछ बना कर दिखाऊंगा। सही है जी। चलो जी। हेलो गाइस, दिस इज़ रॉकी सिंह। सो मैं जा रहा हूँ ज़रा काम से बाज़ार की साइड, तो इंशाल्लाह फुटेज वहाँ पर लूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कोयटा का बाज़ार कैसा है और किस तरह दिखता है और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा मैंने अपना लिपट निकाल लिया है, लिपट के मैं जाऊँगा। सही है जी। और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी फुटेज इंशाल्लाह दिखाऊँगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। तब तक के लिए टेक केयर। Good.
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सो आज फिर से मैंने एक आउटडोर मैंने फुटेज ली है। लियाकत बाज़ार कोयटा का मेन बाज़ार है। इधर आया हुआ था मैं किसी काम से, तो मैंने सोचा कि फुटेज ले लूं, और कुछ फुटेज आप लोग देख चुके हैं, और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो आप लोगों के लिए फिर से मैं रखूँगा एक और क्लिप। और साथ ही साथ अगर बात हुई कहीं पर स्पेशल जाने की, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ज़रूर 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 मैं फुटेज अटैच करूँगा आप लोगों के लिए। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर। सो गाइस, फ़िलहाल बैठा हूँ मैं शॉप पे, और भाई के साथ अक्सर इंजॉयमेंट होता रहता है। तो यहाँ पर आया था किसी काम से, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लिपों में मैंने बताया था। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इंजॉयमेंट की, तो ये आप लोग इंजॉयमेंट देख सकते हैं। ये इंजॉयमेंट हम लोग आज की इंजॉयमेंट है, और इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह के और बहुत से सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। और चिप्स अगर खा कर देखूँ तो देखता हूँ कि लजीज हैं, टेस्टी है या नहीं, तो इसका रिव्यू इधर ही बैठे बैठे दे देते हैं। मज़ेदार है। इधर ही करीब एक ठेले वाला खड़ा हुआ था, मेरा दिल किया, और तकरीबन 5 बजे का टाइम है, तो मैंने भूख थोड़ी सी लग रही थी, तो मैंने कहा मंगा लेते हैं। तो एक प्लेट मैंने मंगवा ली, तो बड़े मज़ेदार है। तो बैठ कर इंजॉयमेंट हम लोग करते हैं, और आप लोग वीडियो इंजॉय कीजिए। सही है जी। ये था आज का हमारा दिन। सो आज का ये फर्स्ट डे आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो जैसे कि मैंने शुरू के क्लिपों में बोला था कि भाई आप लोगों को स्पेशल कुछ करके दिखाऊंगा या स्पेशल कुछ होगा, तो आज जो है मैंने जो एंजॉय किया है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज मेरे वालिद का, मेरे अप्पा का बर्थडे, और आप लोग ये डेकोरेशन देख सकते हैं। हैप्पी बर्थडे अबू, यानी फादर, यानी मेरे अप्पा का बर्थडे था, तो मैंने आज सेलिब्रेट किया, और आप लोग ये आज का दिन देख चुके हैं। और इंशाल्लाह कुछ नया होगा तो आपको कल के दिन में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और ये एक और नए दिन के साथ हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहे हैं। सो आज का दिन जो है सेकेंड डे इसी व्लॉग का, तो आज जो है मैं तैयार होके देखें, आज ने ज़रा नया हेयर स्टाइल बना लिया, और साथ ही साथ मैंने मुँह हाथ धो के अच्छे से कपड़े पहन के, पेंट शर्ट पहन के मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। और आज जो है डे बिफोर क्रिसमस है, तो मेरे जितने भी दोस्त क्रिश्चन दोस्त देख रहे मेरे इस व्लॉग को, तो उनको मेरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस कहना चाहता हूँ। और स्टे ब्लेस, और अपना डे इन्जॉय कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मैं याद रहा तो ज़रूर मुझे अपने घर पर बुलाइएगा, इंशाल्लाह हम लोग इन्जॉय करेंगे, आप लोगों के साथ व्लॉग भी बनाएंगे। जो भी मेरे क्रिश्चन दोस्त देख रहे हैं, सही बरादरी के दोस्त, तो उनको मैं मेरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस विश करना चाह रहा था। और साथ ही साथ आज का डे शुरू हो चुका है, और 2 बज चुके हैं, तो मैं देखता हूँ कि यार मुस्तफ़ा अगर फ्री होता है तो आज का दिन उसके साथ फिर स्पेंड करेंगे। और बड़ा ही ज़बरदस्त आज का दिन है, और क्योंकि आज का मौसम भी पहले से काफ़ी गर्म है, और बिना अपर के मैं घूम रहा हूँ आज, बिना अपर या किसी जैकेट के। तो अगर बात की जाए
सुबह से यार नाश्ता किया, सुबह उठ के ज़रा जल्दी उठ गया, और आलम से मेरा जो यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो है, मेरा दोस्त है, वो कह रहा था कि यार मैं आऊँगा तेरे घर और ज़रा टाइम स्पेंड करेंगे, और ज़रा यूनिवर्सिटी के काम से ज़रा प्रोजेक्ट का हम लोग का ज़रा मसला चल रहा है, और अभी तक हम लोग का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना नहीं है, उस पर हम लोग ज़रा काम कर रहे थे। तो लेकिन उसका ये हुआ कि भाई शहनशाह बादशाह बनता है, तो एक तो उठा देर से और सेकेंडली उसको एक घर पर उसको ज़रा काम पड़ गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्लिप में, अगर आप लोगों के लिए स्पेशल कुछ है करने का तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। मुस्तफा के घर जाने के बाद भी कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए, कुछ क्लिप्स ज़रूर मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में और चलते हैं देव गया। सो गाइस, एक और क्लिप में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। सो आप लोगों को कहना चाह रहा था कि भाई मैं आ चुका हूँ मुस्तफ़ा के घर। फ़िलहाल मुस्तफ़ा जो है, मैं बिना बताया था आया था, मैंने कहा सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन मुस्तफ़ा फ़िलहाल घर पर नहीं है, गया हुआ है, और मैं नबील के साथ बैठ कर टाइम पास कर रहा हूँ। और ये देखिएगा हलीम मेरे लिए स्पेशल, इन लोगों ने वैसे तो बनाई हुई थी स्पेशल, मुझे रिस्पेक्ट दे दी, और बड़ा ही थैंक यू करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उन लोग का कि इन लोगों ने मुझे पूछ लिया। वैसे खाना भी नहीं खाया था मैंने, सीक्रेट मैं बात बताऊँ तो आप लोगों को, तो मैंने अभी आज दोपहर को खाना भी नहीं खाया था, सब्ज़ी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्ज़ी खाता नहीं हूँ मैं, बहुत कम खाता हूँ। और जो है आज हमारे घर में पनी हुई थी पालक, तो कुदरती तौर पर ताईजान ने मुझसे पूछ लिया, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह, हलीम बनी हुई थी, हलीम मेरी फेवरेट है, सो हलीम खाता हूँ। और हलीम के खाते खाते आप लोगों को एक वीडियो मैं इंशाल्लाह शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिए और लुत्फ़ अंदोज़ हो जाइए। सही है जी, देवी गया हो। गाइस, ये आज का व्लॉग ख़त्म होता है, उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग भी हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आया होगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए व्लॉग की सिचुएशन की, तो मैं पहले दिन गया लियाकत बाज़ार और उधर से शॉप, और शॉप से इन्जॉयमेंट किया। सेकंड डे जो था मेरा, सेकंड डे में आप लोगों ने देखा कि भाई आप और मैंने जो मिलकर जो है फुटेज थोड़ी सेकंड डे की दी, और मुस्तफ़ा के घर गया, मुस्तफ़ा तो थे नहीं, लेकिन नबील के साथ थोड़ा टाइम पास किया, वहाँ पर हलीम खाया, बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही लजीज, बहुत ही अच्छा और बहुत ही नाइस था। और सेकेंडली अगर बात की जाए, अभी घर में मैं पहुँच चुका हूँ, और कल क्रिसमस डे है, तो मेरे दोस्त क्रिश्चियंस दोस्त यानी ईसाई बरादरी वाले दो दोस्त हैं, उनके लिए मैसेज है कि भाई मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू, एंजॉय करना और जो है खुश रहो, और हमेशा मेरे दोस्त हो आप लोग, और हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। दो चार पाँच छः मेरे दोस्त हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं, तो उन लोग को बहुत ही ज़्यादा देर हो, खुशियाँ मुबारक हों इस दिन पर। और चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।